हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हैमस्टर कॉम्बैट माइनिंग के अंदर अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर आपके जो एयरड्रॉप और जो आपका कॉइन है उसका विड्रॉल का टाइम आ चुका है और इनका लिस्टिंग का तो अपडेट यहां पर आपको पता ही है। दोस्तों, आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, 22 दिन आपके यहाँ पर बचे हैं इसके लिस्ट होने से पहले पहले। अगर आपको ऑफलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर चाहिए अपने एक्सचेंज के अंदर, तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप दे दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 स्टेप कौन कौन से दे दिए गए हैं? तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो ओके को तो आप यहां पर नहीं कर सकते, आप यहां पर बायबिट को कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से नहीं है तो आप यहां पर OKX को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोन का वॉलेट हमने पहले ही यहां पर कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शन चाहिए इसका, यानी कि इसका जो क्वाइन है वो आपके एक्सचेंज में जाना चाहिए विदाउट फीस, तो आपको यहां पर जो बायबिट अकाउंट है उसको मर्ज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे मर्ज करेंगे, चलिए इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं आपको बायबिट अकाउंट के ऊपर लेकर के जाऊं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा जो हैमस्टर का क्वाइन है वो पर मार्केट के अंदर यहां पर उसका ट्रेड लाइव है। आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो प्राइस निकला है तो वो क्या प्राइस निकला है, 0.001 इसका प्राइस यहां पर मार्केट के अंदर आया है। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस पर ये यहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बहरहाल जो भी है आपको बेनिफिट तो यहां से जाने वाला है। तो क्या क्या स्टेप आपको यहां पर कंप्लीट करने पड़ेंगे, अगर जब आप यहां पर बायबिट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस दे दिया जाएगा। बायबिट अकाउंट को 22 दिन में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी इनके रेफर से रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर KYC अपनी कंप्लीट करनी है। जब आप यहाँ पर KYC कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है वो आपके KYC कंप्लीट अकाउंट में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑफ चैन डिपॉजिट, अगर आपको चाहिए तो तभी ये आपका यहाँ पर इनेबल होगा, तब आपको यहाँ पर इनके रेफर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक रेफर कोड इन्होंने आपको यहां पर प्रोवाइड किया है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको यहां पर एक रेफर कोड को कॉपी कर लेना है और ये रेफर कोड आपको यहां पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के बटन पर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका जीमेल वगैरह है और आपका पासवर्ड है उसको यहां पर डाल के आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहां पर लॉगिन कंप्लीट कर लेता हूं। आपको जीमेल और पासवर्ड यहां पर देना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, मैंने अपना जीमेल यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद अब मुझे जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसका पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर का पासवर्ड मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट गूगल ऑथेंटिकेटर का पासवर्ड लगा लेता हूँ, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं वीडियो को स्टॉप करके लगा लेता। तो दोस्तों, मैंने कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और ये यहाँ पर बोल रहा है कि अनवेरीफाइड। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिर से कोड लेकर के आएंगे। ठीक है, जाएंगे यहाँ पर आपका जो बायबिट अकाउंट है उसका कोड हम यहाँ पर देख लेंगे, 250662। ठीक है, तो जो आपका कोड होगा 250662, मेरा कोड है 250662। ठीक है, ये कोड मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिया। जब आप यहाँ पर ये प्रोसेस कर लेंगे तो आप यहाँ पर हम चलते हैं हैमस्टर पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेकआउट करता हूँ कि मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हुआ है नहीं हुआ। तो वेबसाइट के अंदर मेरा यहाँ पर जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यानी कि जो आपका हैमस्टर कॉम्बैट अकाउंट है उस पर आप यहाँ पर विजिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पर मैंने जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर भी ये टास्क आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये हमें यहाँ पर इनेबल करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया, इससे मर्ज कर दिया। तो आप भी इसी तरह से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर से एक नया अकाउंट आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर KYC करने में भी दिक्कत आएगी, कितने अकाउंट आप यहाँ पर चला सकते हैं एक्सचेंजर के। तो दोस्तों, एक्सचेंजर में आपके एक दो ही अकाउंट, यहाँ पर अगर दो अकाउंट भी होते हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर पड़ने लगती है, क्योंकि एक्सचेंजर यहाँ पर आपसे ट्रेडिंग मांगते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं
तो आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे न्यू आईपी एड्रेस पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ठीक है, आपके सामने सामने मैंने न्यू एड्रेस पे इसको लॉगिन कर लिया, फिर उसको मैं यहाँ पर बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद मैं क्या करूँगा, हेमेस्टर पर जाऊँगा। अब देखते हैं हेमेस्टर में क्या यहाँ पर ये हमें चेंज करके देता है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर इसी तरह से अपने प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसी तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर ये ऑफलाइन आपका विड्रॉल देंगे तो आप यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इनका टास्क। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं इनका क्या यहाँ पर अपडेट आता है। अगर ये हमें यहाँ पर यानी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन नहीं देंगे तो हम यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेंगे। कहाँ पर लेंगे, जो हमारा टोन वॉलेट है उसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको चैनल को